हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है तंतुमय संयोजी ऊतक यानी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, आज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत मैं व्हाइट फाइबर्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एंड इसके पिछले वीडियो में यानी कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में मैं सामान्य संयोजी ऊतक यानी एरियोलर पिगमेंटेड एडिपोज और रेटिकुलर के बारे में बताई हूँ। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस सबको जरूर देख लीजिए। ऊतक क्या है, ऊतक कितने प्रकार का होता है, इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट पार्ट, ये सब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत व्हाइट फाइबर्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में। दोस्तों, व्हाइट फाइबर्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर रही हूँ कंडरा यानी टेंडन की। यह टेंडन जो होता है कोलेजन फाइबर से बना एक सघन शक्तिशाली सफेद संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों, ये कोलेजन तंतु के मोटी मोटी समांतर बंडल होता है और उस बंडल के बीच में कंडरा की कुछ चपटी लंबी कोशिकाएं एक सतह के आधार पर फैली रहती हैं, जैसे कि ये लोच विहीन होती हैं। इसमें लोचपन नहीं होता है, ये कठोर होती हैं, इसलिए मांसपेशियां इनके साथ मजबूती के साथ जकड़ी रहती हैं। टेंडन का कार्य क्या है, यह जो है कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं यानी रेखित पेशियां होती हैं, उन पेशियों को यह हड्डियों के साथ जोड़ता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सफेद कलर का, यानी मांसपेशी के दोनों छोरों पर जहां उस मांसपेशी का उद्गम और निवेशन होता है, उन दोनों छोरों पर वह हड्डियों से कंडरा द्वारा मांसपेशी जुड़ा रहता है। तो उस मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंडरा, ठीक है। तो यह इस प्रकार कंकाल पेशी तथा हड्डी के बीच लोच विहीन संपर्क का काम करती है कंडरा। तो आप क्या सीखे कि कंडरा क्या करता है, कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला तंतु क्या कहलाता है, तो कंडरा यानी टेंडन, ठीक है। हिंदी में अगर कहीं लिख देता है तो कंडरा और उसका इंग्लिश वर्जन टेंडन, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी से रिलेटेड एक चोट है जिसको स्ट्रेन कहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेन और स्प्रेन में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उल्टा सीधा कर देते हैं। तो स्ट्रेन यानी खिंचाव, यह चोट मांसपेशी या टेंडन के अधिक खिंचाव के कारण होता है। जब मांसपेशी या टेंडन अधिक खिंच जाता है तो उसी को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का जहां भी नाम आए तो वहां आप मांसपेशी या टेंडन को ध्यान में रख लीजिएगा, या मांसपेशी या टेंडन जहां भी पूछे तो वहां स्ट्रेन आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन कंडरा से यानी टेंडन से बन सकते हैं कि कंडरा किसे कहते हैं, तो कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है, और कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला तंतु क्या कहलाता है, तो टेंडन कहलाता है। उससे संबंधित चोट क्या है, स्ट्रेन यानी खिंचाव है, यानी मांसपेशी या टेंडन का अधिक खिंच जाना स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट है स्नायु लिगामेंट, जो दो हड्डियों के जोड़ों पर जुड़ता है, ठीक है। इसकी भरण पदार्थ बहुत मात्रा में कोलेजन तंतु विभिन्न दिशाओं में होते हैं, यानी टेंडन और लिगामेंट दोनों किससे बने होते हैं, कोलेजन तंतु के बने होते हैं, ठीक है। तो
इसके भरण पदार्थ से बहुत मात्रा में कोलेजन तंतु विभिन्न दिशाओं में होते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ लचीले तंतु होते हैं। तो जो लचीले तंतु इसमें दिखाई देते हैं और इन तंतुओं के बीच में लंबी चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो इन कोलेजन तंतु विभिन्न दिशाओं में जो फैले होते हैं और इनमें बहुत सारे लचीले तंतु होते हैं, उन्हीं लचीले तंतुओं को लिगामेंट्स कहते हैं। और यह लिगामेंट्स का कार्य क्या है, यह दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। ठीक है, विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि यह दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है और लोच विहीन लोच युक्त होता है, यानी इसमें लोचपन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, इसीलिए यह गति करने का काम करता है, हमारे शरीर को मूवमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें लोच बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लंबे धागे के समान होता है। तो इस अवस्था में यह क्या करता है, हड्डियों के मूवमेंट को आसान बनाता है। ठीक है, तो यह दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। तो दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित एक चोट होता है जिसे स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, टेंडन से संबंधित मैंने क्या बताया, स्प्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, अब लिगामेंट से संबंधित चोट क्या है, स्प्रेन यानी मोच। तो मोच जो है, स्प्रेन जो है, चोट के जोड़ के पास लिगामेंट का अधिक खिंच जाना स्प्रेन यानी मोच कहलाता है। ठीक है, जोड़ के पास लिगामेंट्स का अधिक खिंच जाना क्या कहलाता है, स्प्रेन या मोच कहलाता है। जबकि टेंडन में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, यानी मांसपेशी और टेंडन का अधिक खिंच जाना स्ट्रेन कहलाता है, वो टेंडन का चोट होता है। और ये स्प्रेन जो है लिगामेंट्स का चोट होता है, जो जोड़ के पास लिगामेंट का अधिक खिंच जाना स्प्रेन कहलाता है। तो अब आपको स्ट्रेन और स्प्रेन में कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है श्वेत तंतु में, यानी व्हाइट फाइबर्स। ये जो है सघन कोलेजन तंतु बंडलों के बीच में बिखरे रहते हैं और इसमें बहुत अधिक तनन शक्ति होती है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि टेंडन्स, लिगामेंट्स, व्हाइट फाइबर्स सभी कोलेजन तंतु से बने हैं, और ये व्हाइट फाइबर्स जो है खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ों के बीच में पाया जाता है। और यह क्या कार्य करता है, जो खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, हमारी खोपड़ी की हड्डियों को, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने का कार्य क्या कौन करता है, व्हाइट फाइबर्स। और यह उत्तकों को गति करने में सहायता करता है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ों पर कौन जोड़ता है, तो व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर क्या है, कि खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने वाला एक फाइबर है। तो यहाँ पे मैंने तीन टॉपिक के बारे में बताया, जैसे टेंडन जो हमारे स्केलेटल यानी रेखित पेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, रेखित पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, और लिगामेंट्स जो हमारे दो हड्डियों के बीच के जोड़ों को जोड़ता है, एंड व्हाइट फाइबर जो हमारे खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, एंड दो चोट यानी टेंडन्स रिलेटेड चोट मैंने बताया, स्ट्रेन यानी खिंचाव जो मांसपेशी या टेंडन के अधिक खिंच जाने से होता है, और लिगामेंट्स रिलेटेड चोट मैंने बताया, स्प्रेन यानी मोच जो दो हड्डियों के जोड़ पर लिगामेंट्स के अधिक खिंच जाने से होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंकाल संयोजी ऊतक से रिलेटेड उपास्थि और अस्थि के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।